जिला मुख्यालय ढालपुर स्थित मिनी सचिवालय कभी भी खंडर में तब्दील हो सकता है। जिला प्रशासन के सामने मिनी सचिवालय की छत से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। हालांकि उपायुक्त कुल्लू ने पिछले साल इसका निरीक्षण कर जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई पहल नहीं हो सकी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा उठेगा, इस पर भी जवाब मांगा जाएगा। मिनी सचिवालय की दीवार ढहने से यहाँ न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा बल्कि बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। जिला मुख्यालय ढालपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय के साथ चार मंजिला मिनी सचिवालय की एक दीवार के साथ इनकी सीढ़ियों में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, इससे भवन के ढहने का डर है। हालांकि 2018 में उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने मिनी सचिवालय के सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया था। अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस समस्या से उन्हें अवगत करवाया था। इसके बाद उपायुक्त ने जल्द इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। मिनी सचिवालय की चौथी मंजिल की छत से पिछले दो सालों से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। मिनी सचिवालय में एक दर्जन से अधिक विभागों के दफ्तर है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है और उन्होंने सहायक आयुक्त उपायुक्त कुल्लू को आदेश जारी कर दिए हैं। आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। कुल्लू से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। मिनी सेक्रेटेरिएट हमारा जो मिनी सचिवालय है, कुछ रोज़ पहले जो एसी कुल्लू है उन्होंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करवाई थी। बाहर जैसे पानी का रिसाव हो रहा था, परंतु अभी भी जैसे ये मामला संज्ञान में आया कि कुछ एक विभागों के वाटर टैंक हैं ऊपर, वो जो ओवरफ्लो हो जाते हैं और उनका पानी फिर नीचे रिसाव होता है। अभी मैंने उचित दिशा निर्देश दे दिए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इसका जो भी मेजर जो रिपेयर वर्क होगा वो हम करवाएंगे, परंतु अभी इमीडिएटली कोई भी ऐसा परेशानी ना हो और कोई भी ऐसी जो खामी है उसको दुरुस्त करने के लिए अभी एसी कुल्लू खुद उस पर ज्वाइंटली इंस्पेक्ट करेंगे बाकी विभागों के साथ।